नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात की थी और सारे प्रिपरेटरी मेथड्स जो है लैब एज वेल एज कमर्शियल उनको हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, क्योंकि प्रिपरेशन हो गया था, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। अब आज हम जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन बेसिकली किस वजह से हैं हाइड्रोजन की, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे हम हाइड्रोजन को क्या क्या हम हाइड्रोजन से प्रिपेयर कर सकते हैं, या हाइड्रोजन हमारे लिए क्यों यूजफुल है, ये सब हम इस लेक्चर में देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज मेनली ड्यू टू इट्स HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंड एंथैल्पी। पहले तो आप ये समझिए कि ये HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती क्या है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इससे भी पहले मैं थोड़ा सा इसको लेके जाती हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो हाइड्रोजन जो है डाइहाइड्रोजन टेस्टलेस, ओडरलेस और बहुत ही कम्बस्टिबल गैस है। टेस्टलेस, ओडरलेस एंड वेरी कम्बस्टिबल गैस इट इज, एंड इसके कारण जो है इसकी हैंडलिंग, इसका स्टोरेज, इसका ट्रांसपोर्टेशन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और डाइहाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बहुत हद तक इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे डिपेंड करती हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हम कैसे बताएंगे, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, the energy which is required to break one mole of a bond in its standard conditions is called as bond dissociation enthalpy. तो सिंपल अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, ये है कि अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है, किसी चीज को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो आप कह सकते हैं कि डिसोसिएशन है उसका, या डिसोसिएशन एंथैल्पी। एंथैल्पी इज टोटली एन एनर्जी टर्म, यू ऑल नो। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक मोल H2 को उसके हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और आप माने कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के लिए ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ये हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट फॉर द हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अभी मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बात कर रही हूं, मैंने अभी तक यहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए बात नहीं की है। तो इट इज ओनली फॉर द सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड के लिए ये हाइएस्ट। अब अगर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स है। तो स्ट्रॉन्गर कैसे हैं ये भी एक बार हम समझ लें कि दो छोटे एटम्स हैं हाइड्रोजन, और जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों न्यूक्लियाई के बहुत पास है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, शेयरिंग हुई है, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई, दोनों के जो न्यूक्लियर है या हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है इंडिविजुअल हाइड्रोजन का, उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड के लिए ज्यादा है। मैं इसको कभी भी डाइऑक्सीजन के डबल बॉन्ड या नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से कंपेयर नहीं कर रही हूं, ये सिर्फ सिंगल सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में ही बोला जा रहा है। अब आप ये समझिए कि हमेशा इसके सिंगल बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, अगर ये बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी ज्यादा है, तो बॉन्ड जो है वो स्टेबल बॉन्ड है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है, और इसके लिए जो है डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में
13 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है प्रोटियम जिसको हम बोलते हैं H11 एंड H12, दिस इज ड्यूटेरियम हेवी हाइड्रोजन एंड दिस इज प्रोटियम। तो जो पहला आइसोटोप है जो हमने पहली क्लास में पढ़ा है कि हाइड्रोजन का जो तीन आइसोटोप्स हैं जिसमें से ट्रीटियम तो रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ बहुत कम है उसकी, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है प्रोटियम वन प्रोटॉन विथ वन इलेक्ट्रॉन, इसकी रिएक्टिविटी ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में कुछ 13 टाइम्स है। तो 13 टाइम्स रिएक्टिविटी के साथ ये हाइड्रोजन प्रोटियम ड्यूटेरियम से ज्यादा रिएक्टिव है। अब एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं है लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटीज कौन कौन से हैं। सो लेट्स सी, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, चलिए इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। तीन तरीके के हाइड्रोजन है, मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन या सिंगल हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूं या मॉलिक्यूलर भी अगर इसमें हम लें तो हाइड्रोजन का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी कितना रिएक्टिव है वो तीन तरीके के हैं। फर्स्ट इज एटॉमिक हाइड्रोजन। अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब सिंगल हाइड्रोजन का एटम, और सिंगल हाइड्रोजन का एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसको रिएक्ट करके अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करना है। तो देखें कैसे बनता है सिंगल हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक हाइड्रोजन मींस H, सिंगल H, एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर इट, लेट्स सी टू इट। डायमोलिक्यूलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, डायटॉमिक हाइड्रोजन को अगर आप हीट करते हो, मैंने अभी बताया कि HH के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा है, तो अगर आपको इसको तोड़ना है तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी या टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके ये दो H में टूटेगा, H एंड H, और इस H को हम बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, वी कॉल दिस एज एटॉमिक हाइड्रोजन। तो जब भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को आप हीट देके उसके बीच का बॉन्ड तोड़ के उसको एटॉमिक में कन्वर्ट करोगे तो जो हाइड्रोजन आपको सिंगल एच मिल रहा है दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन। अब यहां एक चीज समझने वाली बात है और एक चीज क्या, ये तो केमिस्ट्री का बेसिक फंडामेंटल है कि केमिस्ट्री चलती ही इसी चीज पे है कि इफ द एनर्जी इज वेरी हाई द रिएक्टिविटी इज वेरी हाई। अगर एनर्जी किसी सब्सटेंस की, किसी स्पीशीज की, किसी एटम की, किसी मॉलिक्यूल की ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी आर द टू फेजेस ऑफ अ सिंगल कॉइन, दे नेवर मीट। मींस स्टेबिलिटी अगर ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम, अगर रिएक्टिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और ये सब चलता है एनर्जी कंसिडरेशन पे। अगर एनर्जी किसी स्पीशी की या किसी एटॉमिक फॉर्म की या किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म की या किसी कंपाउंड की अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा या उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। तो ये सब चीजें हम आगे और भी देखेंगे। यहां पे आप ये देखिए कि हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर था तो यानी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी। अब आप इसको तोड़ रहे हो तो आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा है। अब जब आपने इसको एनर्जी दी और ये टूटा एटॉमिक हाइड्रोजन में तो ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है इसकी एनर्जी, क्योंकि आपने एनर्जी देके इसको बनाया तो इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, एनर्जी इज हाईएस्ट मोर मोस्ट, और अगर एनर्जी मोस्ट है तो स्टेबिलिटी इसकी लीस्ट होगी, तो स्टेबिलिटी इज वेरी लेस, द एनर्जी इज वेरी हाई द स्टेबिलिटी इज वेरी लेस एंड द रिएक्टिविटी इज वेरी हाई। इसको दूसरा हाइड्रोजन चाहिए, इसको दूसरा एटम चाहिए ताकि ये जो है कंपाउंड इन लोअर एनर्जी स्टेट बना सके। ये है एटॉमिक हाइड्रोजन। दूसरा आता है, दूसरा फॉर्म है हाइड्रोजन का एंड दैट इज नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन,
we call it as nascent hydrogen. So what this nascent hydrogen is, और nascent hydrogen को आप हमेशा square brackets में दिखाते हैं, this is called as nascent form, this is nascent hydrogen. Now how the nascent hydrogen is to be prepared and what's its energy and stability or reactivity criteria. So let's see, nascent hydrogen, आप कभी भी H पॉजिटिव में जब इलेक्ट्रॉन दोगे उसको H पॉजिटिव में हाइड्रोजन आयन, तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस्ड होगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा रिड्यूस्ड होगा H बनाएगा और इस H को हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन. अगर इसको कोई दूसरा एटम नहीं मिल रहा है तो ये नेसेंट फॉर्म में है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ये भी. पर ये बनता कैसे है कि H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से, मान लीजिए आपने जिंक, जो मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था जिंक के ग्रैन्यूल्स आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाले हैं, तो जो आयनिक इक्वेशन है वो क्या होगी कि HCl में H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा H में कन्वर्ट होगा एंड दैट इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन. तो जब भी H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अगर मेटल उससे रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, H पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगा. अब ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, क्या आपने इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया, हीट एनर्जी दी? नहीं. आप रूम टेम्परेचर पे भी अगर आप देखें कि टेस्ट ट्यूब में आपने HCl लिया है या H2SO4 लिया है डाइल्यूट और उसमें आप एक्टिव मेटल ग्रैनुल्स को डाल रहे हो तो बबल्स बनेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो रही है. तो अगर रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो रही है तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन बना है इसको हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देके नहीं बनाना पड़ा जैसे एटॉमिक हाइड्रोजन हमने बनाया था. हम इसको रूम टेम्परेचर पे भी बना रहे हैं, एक्टिव मेटल्स एसिड्स में H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन बन रहा है, तो इसका जो एनर्जी है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना एटॉमिक हाइड्रोजन का. इसकी एनर्जी कम है और अगर इसकी एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और रिएक्टिविटी कम होगी. तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है. नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, वी कॉल इट एज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन. नाउ व्हाट दिस ऑक्लूडेड हाइड्रोजन इज, इट्स अ वेरी न्यू टर्म टू यू. ऑक्लूडेड मीन्स कभी भी मेटल सर्फेस पे जब भी डाइहाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब मेटल सर्फेस है, मान लीजिए प्लैटिनम है, निकल है या पैलेडियम है, और इस पे अगर हाइड्रोजन आके एब्जॉर्ब होती है, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. अगर मेटल सर्फेस पे हाइड्रोजन आके ऊपर सर्फेस पे लग रही है, पूरे बल्क में नहीं जा रही है, ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सर्फेस फेनोमेना कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. ये आप पढ़ेंगे क्लास 12 सर्फेस केमिस्ट्री में. तो अगर यहां पे हाइड्रोजन जाके सर्फेस पे एब्जॉर्ब हो रही है किसी मेटल सर्फेस के, तो वो हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन. सो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन इज व्हाट, द हाइड्रोजन विच इज गेटिंग एब्जॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल. ओके, नाउ हियर इट विल सी दिस इज डायटॉमिक ओनली. तो ये जब डायटॉमिक है तो इसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, एनर्जी सबसे लीस्ट और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा. स्टेबिलिटी इज हाईएस्ट, एनर्जी इज द लीस्ट. तो अगर हम स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन के टाइप्स क्या है, फिर से एक बार आप देखिए कि हाइड्रोजन तीन तरीके के हाइड्रोजन है, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन और ऑक्लूडेड हाइड्रोजन. तो एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब जब भी आपने डाई एटॉमिक हाइड्रोजन को एनर्जी दिया, हीट एनर्जी दिया और वो एटॉमिक फॉर्म में टूटे, तो उसमें जो है इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आप कुछ एनर्जी दे के इसको तोड़ रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स है. तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स जब टूटेंगे तो जो स्पीशीज निकल के आएंगी वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक स्पीशीज होंगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रखेंगी. और मैंने आपको बताया कि एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी. तो यहाँ पे ये एटॉमिक हाइड्रोजन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम है. नेसेंट हाइड्रोजन की बात करें तो H पॉजिटिव जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा और एक H बनाएगा वो नेसेंट हाइड्रोजन है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीस टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स आर ऑलवेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट. तो H पॉजिटिव जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा H बनाएगा, और ये कैसे हो सकता है कि जब भी आप एक्टिव मेटल ग्रैनुल्स को डाइल्यूट एसिड्स में डालो और जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है
तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है या एसिड्स है उनमें एच पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके जब हाइड्रोजन बनाएगा और वो हाइड्रोजन किसी सेकेंडरी प्रोसेस में ना जाए या उसको अगर हम देखें तो वो नेसेंट हाइड्रोजन है जिसकी एनर्जी जो है इसके कंपैरिजन में कम है और स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव, लेकिन एज कंपेयर टू द एटॉमिक हाइड्रोजन इसकी एनर्जी थोड़ी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। थर्ड फॉर्म इज द ऑक्लूडेड हाइड्रोजन फॉर्म। तो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन क्या होता है, जब भी डायटॉमिक हाइड्रोजन या मॉलिकुलर हाइड्रोजन किसी मेटल के सर्फेस पे आके जुड़ता है, एड्सॉर्ब्ड होता है, इसको प्रोसेस को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो जब भी कोई डायटॉमिक हाइड्रोजन मेटल के सर्फेस पे जाके लग जाता है या सतह पे जाके उसकी जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डायटॉमिक ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ये तो मॉलिकुलर फॉर्म में ही है, अगर मॉलिकुलर फॉर्म में है तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और अगर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो एनर्जी सबसे लीस्ट है। तो अगर हम एनर्जी क्राइटेरिया के टर्म्स में देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आप देखिए, हम बोल सकते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर देन द नेसेंट हाइड्रोजन, इट्स मोर देन द ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। और ये क्या किसका आपने सीक्वेंस दिया है, ये क्या सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है रिएक्टिविटी का, ये सीक्वेंस है रिएक्टिविटी का, ये सीक्वेंस है एनर्जी का। एनर्जी या रिएक्टिविटी एटॉमिक हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर नेसेंट हाइड्रोजन की और फिर ऑक्लूडेड हाइड्रोजन की। तो अगर रिएक्टिविटी और एनर्जी क्राइटेरिया की बात करें तो एनर्जी कंटेंट और रिएक्टिविटी एटॉमिक हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर नेसेंट की और फिर ऑक्लूडेड की। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में ऑर्डर बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। स्टेबिलिटी जो है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, देन इट कम्स टू द नेसेंट एंड देन इट कम्स टू एटॉमिक हाइड्रोजन। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक, नेसेंट, ऑक्लूडेड। अब इसके बाद हम चलते हैं रिएक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की तरफ। तो रिएक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्यों है, क्यों हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन क्यों केमिकली कंबाइन करता है। पहली बात तो कैसे कंबाइन करता है, क्यों करता है, मतलब उसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, ये हम सबको पता है। तो कैसे वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, ड्यूप्लेट का मतलब क्या, हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही ऑर्बिट है और एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक ही ऑर्बिट है तो हमको पता है कि द फर्स्ट ऑर्बिट शुड हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन फुलफिल क्राइटेरिया है पहले शेल का, पहले ऑर्बिट का, इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट। बाकी सभी केसेस में ऑक्टेट होता है, यहां पहला शेल है, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ड्यूप्लेट। तो हाइड्रोजन कैसे अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करेगा, अब या तो दो कंडीशन हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन एक और ले लें, दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन दे दे, वेकेंट हो जाए, वेकेंट आर ऑल्सो द स्टेबल कंडीशंस, वेकेंट ऑर्बिट्स आर ऑल्सो वेकेंट ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिट ये 1s1 का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये दे भी देता है तो ये वेकेंट हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन ले ले किसी ऐसे एलिमेंट से जो उसके साथ में कंबाइन कर रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है बहुत जल्दी, तो इलेक्ट्रॉन ले ले और दो इलेक्ट्रॉन कर ले, या जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे दे और वेकेंट हो जाए, या फिर वो शेयरिंग कर, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए। तो किस तरीके से वो अपनी रिएक्टिविटी शो करेगा या किस तरीके से केमिकली कंबाइन होगा या ड्यूप्लेट को कंप्लीट करेगा, आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एच पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और एच पॉजिटिव बना ले,
दूसरा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्राइड आयन किसी ऐसे मेटल के साथ जैसे एल्कली मेटल, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के साथ में इलेक्ट्रॉन को ले लेगी और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले, या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जाके अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो यहाँ पे हेलोजेंस की अगर हम बात करें तो हेलोजेंस में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो हेलोजेंस में जैसे मेनली 17 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पे ये अपने एच पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होता है, यहाँ जो है हाइड्राइड आयन, और तीसरा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग करके भी अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर सकता है। जैसे कार्बन के साथ अगर आप मीथेन देख रहे हो तो हाइड्रोजन जो है ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और अपने कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो किस तरीके से केमिकल रिएक्टिविटीज की बता सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एच पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की प्रेजेंस में, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्राइड आयन हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स की प्रेजेंस में, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये हमेशा दूसरे एलिमेंट के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो देखें क्या क्या है इसकी केमिकल रिएक्टिविटीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, और ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस जो है वो दे रहा है। तो पहला हम देखेंगे, द फर्स्ट वेरी फर्स्ट इज, अगर हम पहले एलिमेंट की रिएक्शन की बात करें तो ये जो है हमेशा कोई भी एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन विथ मेटल्स और मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन जो है मेटल हाइड्राइड्स बनाता है। जो मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा डायहाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड, मेटल मतलब बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जिनको हम M जो है इसकी कंडीशन होगी कि ये एल्कली मेटल्स होने चाहिए। तो M ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन मेटल रिएक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स और MH है, और यहां पे अगर हम इसको बैलेंस करें तो द रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड बाय दिस। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। नाउ द सेकेंड रिएक्शन इज reaction with halogens. So what the reaction with halogens here? Reaction with halogens. Halogens के साथ में हम reaction देखें, hydrogen का reaction हम halogens के साथ में देख रहे हैं, तो X can be fluorine, chlorine, bromine, iodine. तो ये हम reaction करें और HX बनाए hydrohalic acids. हाइड्रोजन हेलाइड्स, वी कॉल इट एज हाइड्रोजन हेलाइड्स, और ये जो है 2HX, और हाइड्रोजन जो है X2 या हेलोजेंस के साथ में हाइड्रोजन हेलाइड्स दे रहा है, और इसमें X जो है फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। अब आपको ये समझना है कि इसमें हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, X ने लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के H पॉजिटिव बना रहा है, यहाँ हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, फ्लोरीन के साथ में जो रिएक्शन हो रही है वो डार्क में भी हो सकती है, इतना रिएक्शन रिएक्टिव फ्लोरीन है कि रिएक्शन इवन अकर्स इन द डार्क, और आयोडीन के साथ में आपको कैटालिस्ट का यूज करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है कि फ्लोरीन के साथ में तो रिएक्शन डार्क में भी हो जाएगी पर आयोडीन के साथ में रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाए, यहाँ हाइड्राइड्स बनाए, यहाँ एल्कली मेटल्स को यूज किया, यहाँ हेलोजन्स को यूज किया। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद, और वी कैन कॉल इट एज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। आप सबको पता है H2O2 के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा H2,
2H2 प्लस O2 2H2O, और ये जो है आपको ये भी पता है कि H2O का इलेक्ट्रोलिसिस आप करोगे तो ये मैंने आपको बताया था अभी प्रिपरेशन में भी कि यह डायहाइड्रोजन देता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो ये वाटर देगा, पर ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि ये स्पॉन्टेनियस हो जाए या हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर लें और वाटर बना लें, इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है 285.9 किलो जूल पर मोल। ये आप थोड़ा सा भी जब आप थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो बोले समझेंगे कि एनर्जी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो डेलेच जो है ये -285.9 किलो जूल पर मोल। और आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने के लिए भी एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, उसके बाद ही वाटर का प्रोडक्शन या वाटर आप बना सकते हो। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन, इसको हम बोलते हैं, ये एक प्रोसेस है, इसको बोला जाता है हेबर्स प्रोसेस, वी कॉल इट एज हेबर्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज NH3, अमोनिया जो है कई सारे फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फर्टिलाइजर का कई सारे फर्टिलाइजर्स में अमोनिया एक मेन इंग्रेडिएंट कह सकते हो या एक मेन केमिकल के फॉर्म में यूज होता है, सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन रिवर्स प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या है, N2 प्लस H2 इट गिव्स NH3। हम इसको बैलेंस कर लें, पहले तो 3H2 2NH3 इज अमोनिया, NH3 इज अमोनिया, अमोनिया का प्रोडक्शन है बेसिकली, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप इक्विलिब्रियम में देखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि कैसे ये रिएक्शन जो है एक समय बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जहां पे भी बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा वहां एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी और रिएक्शन फिर किसी भी डायरेक्शन में जाता हुआ नहीं दिखेगा। तो उसके लिए कुछ टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस को हमको फॉलो करना होता है और वो अकॉर्डिंग होता है ली जैकलिस प्रिंसिपल। तो ये हम आगे देखेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर और हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अभी आप इतना समझिए कि डायनाइट्रोजन और डायहाइड्रोजन अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, और अमोनिया जो है बहुत ही यूजफुल केमिकल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर्स, और इसमें भी डेलेच जो है वो -93.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है डेलेच। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और रिएक्शन विद डायनाइट्रोजन हेबर्स प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ओके, देन नेक्स्ट इज अगर हम बात करें कि अगली रिएक्शन क्या होगी, तो कई सारे मेटल आयंस को हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस्ड भी कर सकता है। तो मेटल आयंस की अगर हम बात करें तो जैसे Pd2 पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये बनाएगा Pd+2H+ दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2H है, दो इलेक्ट्रॉन देंगे 2H+ एंड इट इज द पीडी ने इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन लेके पीडी बना रहा है न्यूट्रल, Pd2+ 2+ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन लेना यानी रिडक्शन, और यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन दिया है यानी ऑक्सीडेशन। तो कई मेटल आयंस को रिड्यूस कर सकता है डायहाइड्रोजन। अब इसके बाद नेक्स्ट है, आपने एक रिएक्शन क्लास 10th में पढ़ी होगी, वो रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, अब देखते हैं हम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजन कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देता है जो कि कमर्शियल यूज के होते हैं। तो पहला है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन बता रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। तो कई सारे जो है कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ
कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कई अच्छे यूजफुल कंपाउंड्स देते हैं जिनका कमर्शियल यूज बहुत ज्यादा है। तो आपने सुना होगा कि वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन निकल पायरियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम करें तो वो जो है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है और वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करता है वनस्पति घी में। तो इफ वेजिटेबल ऑयल वी हैव टेकन वेजिटेबल ऑयल और इसका हाइड्रोजिनेशन करोगे पैलेडियम निकल वगैरह के प्रेजेंस में तो ये जो है वो देगा वनस्पति घी। इसको हम घी या डालडा आपने सुना होगा तो वनस्पति घी और इसको हम मार्गरीन भी बोलते हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज मार्गरीन। तो वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स रखते हैं इनका हाइड्रोजिनेशन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देता है जो कि वनस्पति घी या मार्गरीन होते हैं। फिर एक इसमें और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड दैट इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। सो नाउ लेट्स सी हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज दिस हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन इज हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में एल्कलीज के साथ सॉरी एल्कीन्स के साथ में डबली बॉन्डेड एल्कीन्स के साथ में उतने ही कार्बन एटम्स का एल्डिहाइड जो है वो देता है। तो एल्डिहाइड आर या यहाँ पे अगर मैं आर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू करूं तो आर सी एच टू सी एच टू सी एच ओ ये एल्डिहाइड है जो ये दे रहा है हाइड्रोफॉर्माइलेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्कीन अनसैचुरेटेड CnH2n तो इसके साथ में ये जो है हमेशा एल्डिहाइड देगा और इस एल्डिहाइड को अगर आप फर्दर रिड्यूस करोगे हाइड्रोजन के साथ निकल प्लैटिनम की प्रेजेंस में तो ये अल्कोहल दे देगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इधर पे भी तीन कार्बन एटम विथ वन आर इधर पे भी तीन कार्बन एटम विथ वन आर सो दिस इज नोन एज हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्कीन्स के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और एच टू हमने इसको बोला था पहले सिंथेसिस गैस उसकी प्रेजेंस में ये जो है आर सी एच टू सी एच टू सी एच ओ पहले एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद उसका फर्दर रिडक्शन जो है वो आपको अल्कोहल दे देगा। तो ये सारी जो थी वो केमिकल प्रॉपर्टीज थी हाइड्रोजन की। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ डायहाइड्रोजन। चलिए हम ने देखी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। इसमें एक गलती है यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू कार्बन की वैलेंसी चार है तो एक दो तीन चार ठीक है तो आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। चलिए सारी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें पहले एल्कली मेटल्स के साथ ये हाइड्राइड्स बनाता है MH हेलोजन्स के साथ ये हाइड्रोहेलाइड्स बनाता है HX फिर फ्लोरीन का रिएक्शन डार्क में भी हो जाता है आयोडीन के लिए कैटालिस्ट का यूज करना पड़ता है। डायऑक्सीजन के साथ ये वाटर बनाता है बाय हीटिंग और बाय गिविंग सम एनर्जी डेल एच इसका नेगेटिव होता है। डायनाइट्रोजन के साथ ये अमोनिया का प्रिपरेशन करता है जो कि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के फॉर्म में यूज होता है और ये भी डेल एच नेगेटिव है। इसमें जो है आपको आयरन कैटालिस्ट 673 केल्विन ऑप्टिमम टेम्परेचर और हाई प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा। इसके बाद में कई मेटल आयन्स को ये रिड्यूस कर सकता है जो कि हाइड्रोजन से कम एक्टिव है। उसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी या मार्गरीन में कन्वर्ट करता है और फिर हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और एच टू जो सिंथेसिस गैस है उसको अगर आप ऑलिफिन्स में डालेंगे या एल्कीन्स में डालेंगे तो पहले तो एल्डिहाइड बनाएगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और फिर उसके बाद हाइड्रोजन उसको रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।